अब तक आपने देखा, करजत में सिद्धि के कॉटेज में आग लग जाती है। विनायक उसे वहां बचाने जाता है, पर सिद्धि को लगता है कि आग उसी ने लगाई है। सिद्धि बच जाती है, लेकिन उसका आधे से ज्यादा शरीर जल जाता है। माँ काली के मंदिर में उसे डॉक्टर प्रतिमा मिल जाती है और वो उसे एक नई जिंदगी और नया नाम रिद्धि सिन्हा देती है। अब रिद्धि 11 महीने 22 दिनों बाद लौटती है विनायक से बदला लेने। सिद्धि जोशी के पहली बरसी के पहले रिद्धि सिन्हा तेरा अंत करेगी। तो मिली तुझे पर्सनल असिस्टेंट? नहीं माँ, उसी का तो रोना है। मुझे मिली है। कौन? अंदर आ जाओ रिद्धि सिन्हा। मैं तो वही पागल लड़की। अगर ये बच्ची नहीं होती ना तो मैं अपनी इतनी कीमती चीज हमेशा के लिए खो देती। रख लेना इसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना के। ठीक है माँ, यू आर हायर्ड। आंटी, आई एम सॉरी मैम, वो एक्साइटमेंट में। कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान देना। हाँ, मेरे कहने पर विनायक ने तुझे नौकरी पे रखा है, इसलिए मेरे भरोसे को तोड़ना मत। यस मैम। रिद्धि, विनायक के साथ काम करना तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तू मुझे निराश नहीं करेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो। हाँ दादी, हाँ, मुझे विनायक कुंद्रा के यहाँ नौकरी मिल गई है। अरे वाह। बस अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब वो मुझे अकेले मिलेगा और मैं उसे तड़पा के मारूंगी और उसके लिए कुछ डायलॉग बोला था उस विलन ने। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है फिल्म। नहीं नहीं नहीं, आप वहां जाकर अपने पैसे बर्बाद बिल्कुल भी मत करना। रिद्धि, बेटा अचानक क्या हो गया? कौन से फिल्म की बात करने लगी तू? तो मैं आपको आके बताती हूँ। फिलहाल के लिए मुझे आपसे इतना कहना है कि मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। सर, आप कब आए? सर, मैं ना आपकी बहुत बहुत से भी बहुत ज्यादा बड़ी वाली फैन हूँ। और सर, इस जॉब के लिए ना मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, ये कभी भी मत सोचना कि तुम मेरे माँ के थ्रू हो या मेरी बहुत बड़ी फैन हो तो तुम्हें इसका एडवांटेज मिलेगा। No, sir. तुम्हारी एक गलती और तुम्हारा वो हश्र होगा जो मेरी बाकी के असिस्टेंट्स का हुआ है। एंड यू विल बी फायर्ड। सैम। जी बाबा। पिछली असिस्टेंट की चीजें लेके आओ और इन्हें हैंडओवर करो। रूल्स की लिस्ट है, रीड एंड फॉलो देम। यस सर, आई विल रीड। रूल नंबर वन, ऑलवेज बी ऑन टाइम। या डू नॉट टॉक अंटिल आई स्पीक टू यू। ऑलराइट। डू नॉट शेयर एनीथिंग पर्सनल एंड डू नॉट आस्क एनीथिंग पर्सनल। रूल नंबर फोर, work with a K S
KR attitude. Sir, what is this, sir? KSKR. KSKR का मतलब काम से काम रखना. समझ में आया? क्या? आगे और भी है. ये सब पढ़ रही हूँ. Rule number 5, selfies are strict, no. Sir, I hate selfies. Rule number 6, never enter my room. Yeah. Rule number 7, whenever the bell rings, you should immediately come down and stand near the stairs. So, stairs tak to theek hai. What if agar ye bell ring sunai na de to? Tum bhairi ho. No. Bhairi nahi hu main. But what if agar main phone par hoon, kisi ka call aa jaye aur agar bell sunai na de? To? Tumhara boyfriend hai. So. Rule number 3. I mean, अभी आपने कहा था कि no personal questions, ना पूछना है ना कुछ बताना है, और सर आप ही भूल गए. अगर बॉयफ्रेंड है भी तो उसे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि मुझे फालतू के एक्सक्यूज सुनना पसंद नहीं है. एक बार जब मैंने बेल बजाई तो तुम्हें सीढ़ियों के पास आना है और मेरा इंतजार करना है. समझ में आ गया? मैं तुम्हारी उंगलियों पर नोचने नहीं आई हूं, बल्कि तुमसे अपने ऊपर हुई ज़ातियों का बदला लेने के लिए आई. पर विनायक, 2 दिन में जब मैं तुम्हारे इतने करीब आ चुकी हूं, इसका मतलब तुम अपने मौत के कितने करीब हो, और ये मौत तुम्हारी मौत कोई रूल फॉलो नहीं करेगी. मॉर्निंग मैम. नो थैंक्स. वैसे अब विन सर कहां पर है? विनायक तैयार हो रहा है और मैं आई हूं तुझे तेरे नए सफर के लिए शुभकामनाएं देने. थैंक यू मैम. अगर मैं यहां हूं, विन सर की असिस्टेंट हूं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से. अपनी अपनी किस्मत होती, ये नौकरी तुझे मिलनी थी सो मिल गई. ठीक कहा मंजरी मौशी आपने, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, और विनायक की किस्मत में मेरे हाथों मरना लिखा है. अब क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं आंटी जी. अच्छा, आज तेरा पहला दिन है ना, तो मैं कुछ चीजें तुझे समझा देती. सबसे पहले तो विनायक बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता, तो किचन में जाके उसका डब्बा तो खुद चेक करेगी, ठीक है? यस मैम. उसका टाइम टेबल ठीक से समझ लेना, हुँ? और जब भी उसे बात करेगी ना, इन सब बातों का ध्यान रखना, हुँ? ठीक है? मैं नहीं चाहती कि तुझसे कोई गलती हो और विनायक को तुझे नौकरी से हटाने का मौका मिल जाए. जी मैम, मैं ध्यान रखूंगी. ऑल द बेस्ट. Bye.
हेलो बेटा, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम्हारी तैयारी पक्की है ना? हाँ दादी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैंने हर कदम सावधानी से रखा है। देखो बेटा, जो भी करना सोच समझ के करना। आज तुम्हारा पहला दिन है वहाँ। पहले सारी चीजों को परखो, सोचो और फिर अपनी चाल चलो। नहीं दादी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। आपने जो दवाई दी है वो मैं विनायक को देके ही रहूंगी। रिधि बेटा संभल के, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है वो। सिर्फ दो बूंदे काफी है उस मेडिसिन की। दो बूंदे शरीर में जाते ही पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। जी दादी, आज विनायक के साथ शूट पर जा रही हूँ, मौका मिलते ही उस पर हमला कर दूंगी। दादी मैं भी फोन रखती हूँ, बहुत सारे काम हैं जो शूट पे जाने से पहले पूरे करने हैं। ठीक है बेटा। बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे विनायक कुंद्रा, लेकिन आज मैं सिद्धि जोशी तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का एहसास दिलाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे और अपने आप से। अरे वृद्धि मैडम, आप यहाँ खुद क्यों चली आईं? मैं विन भैया का सामान बाहर ला ही रहा था। देखो, मुझे आंटी जी ने कहा है कि मैं खुद ये सब चेक करूं। वैसे बड़े गुस्से वाले हैं तुम्हारे विन भैया। अरे नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, हमारे विन भैया अपने हिसाब के हैं। अच्छा रघु, एक बात बताओ, तुम्हारे विन भैया ऐसा क्या करते हैं कि उनकी कोई भी असिस्टेंट ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती? अब क्या बताऊं मैडम, हमारे विन भैया थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं, या तो फिर वो बात ही नहीं करते या फिर डांटते हैं। आधी से ज्यादा असिस्टेंट तो उनके कमरे में जाने की वजह से निकाली जा चुकी हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या उस कमरे में? रघु, ए रघु, मैंने तुम्हें मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाने के लिए कहा था ना, तुम मेरा काम छोड़कर यहाँ गप्पे हाँक रहे हो। अरे नहीं प्राची भाभी, मैं तो आपके लिए कॉफी। जस्ट शट अप, तुम नौकरों को ना सिर्फ गप्पे हाँकने का मौका चाहिए। अच्छा भाभी, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। वैसे भाभी, ये विन भैया की नई असिस्टेंट है जो ज्यादा दिनों तक यहाँ टिकने नहीं वाली है। एनीवे, मेरी कोल्ड कॉफी अभी के अभी मुझे तैयार चाहिए। हाँ मैम, अभी। रघु, तुमने देवर जी का लंच बॉक्स पैक किया कि नहीं? हाँ गौरी भाभी, तैयार है, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। रघु, आज ना रोटियां तुम ही सेक लो, क्योंकि मेरी उंगली ना सूज गई है इस भारी अंगूठी की वजह से। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, आप ना ये अंगूठी निकाल दो, कहीं इस अंगूठी के चक्कर में आपकी उंगली ही नहीं रही तो। तू भी ना कुछ भी बोलती है मेरी प्यारी देवरानी, वैसे तू मेरा कितना ख्याल रखती है और मेरी उंगलियों का भी। देवरानी नहीं दीदी, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना, फिर मैं आपका ख्याल ही रखूंगी तो कौन रखेगा दीदी? आज एक साल बाद मैं अपनी बहन को देख रही हूँ, उसे तो ये पता भी नहीं है कि मैं उसकी ताई हूँ, और मुझे ये नहीं पता कि इन एक सालों में प्राची आई बाबा से मिलने गई है भी या नहीं।
चलिए मिस सिन्हा। सर, आज आपकी शिफ्ट कितने से कितने बजे तक है? एक मिनट, तुम फिर आ गई। शुक्र मनाओ कल विन सर ने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। आने दो इसे, रिद्धि मैडम है मेरी नई असिस्टेंट। जी सर। एक्सक्यूज मी रिद्धि मैडम, हमें आपका बैग चेक करना है। देखिए, मैं विन सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। दिन में 100 बार मुझे अंदर बाहर जाना आना होगा, तो क्या दिन में 100 बार आप मेरी बैग चेक करेंगे? लेकिन मैडम, उस दिन आपने जो विन सर के साथ किया, उसके बाद हमें आपका बैग चेक करना पड़ेगा। जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर एक मिनट भी मैं लेट हुई ना, और अगर विन सर ने मुझे चिल्लाया या नौकरी से निकाला, तो मैं आपका नाम लूंगी। और फिर आप उनका गुस्सा जानते ही हैं, गुस्से में क्या पता वो आपको भी नौकरी से निकाल दे। कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए। लीजिए मैडम। बच गई रिद्धि, कहीं उसने मेरा पूरा बैग चेक कर लिया होता तो उसके हाथ वो चाकू और सिरिंज लग जाता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग विन। गुड मॉर्निंग। ऑन टाइम। अच्छा, हमने जो कल रिहर्सल की थी, आज उस सीक्वेंस हम डांस में पूरा शॉट लेंगे। तुम्हें स्टेप तो याद होगा, राइट? क्या जरूरत थी ये सब करने की सिद्धू? गुड मॉर्निंग वसीम सर। क्या मैं आपको जानता हूँ? आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानती हूँ। आप बॉलीवुड के इतने फेमस कोरियोग्राफर जो हैं। थैंक यू वेरी मच। और सर, ये मेरी असिस्टेंट है। हाय विन, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू। या हाय मास्टर सर। वेन मधु, हम एक क्विक रिहर्सल कर लें, उसके बाद अपना मेकअप कर लीजिएगा। ओके। वन टू थ्री फोर। जेनिफर, म्यूजिक। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। नो 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 मधु, तुम ये क्या कर रही हो? कॉन्सेंट्रेट। वेट वेट, म्यूजिक स्टॉप। विन, एक सेकेंड। मधु, कल सिखाया था ना, यहाँ खड़ी हो। देखो, एक हाथ यहाँ रखो, होल्ड दिस हैंड एंड टेक अ स्मॉल स्टेप्स। वन टू थ्री, ठीक है, समझी? श्योर सर। कैन यू जस्ट डू वन मोर? जेनिफर रेडी? ओके, म्यूजिक। मधु, ये क्या? नहीं मधु, दिस इज नॉट राइट। बाबा, सिंपल है, ये रखना है और ये वन टू थ्री फोर। गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली। समझ में आया? विन, कैन वी जस्ट ट्राई वंस मोर? आपकी असिस्टेंट नहीं आई क्या आज? विन, आज उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, एक बार और ट्राई करें विन, प्लीज। ओके। कंसंट्रेट। जेनिफर, म्यूजिक। पहले कभी
तूने मुझे गम दिया। Stop the music. Excuse me. Excuse me. Me? हाँ हाँ तुम यहाँ आओ। Yes sir. तुम जो ये steps कर रही थी वो बिल्कुल सही है। क्या तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर दोगी प्लीज? लेकिन वसीम सर ये मेरी असिस्टेंट है। Just one minute, please. Spot दादा, chair, chair लाइए यहाँ पे। रिद्धि, एक मिनट प्लीज। तुम विन को जानती नहीं, अगर मधु लगातार ऐसी गलती करती रही तो विन सेट छोड़कर चला जाएगा, मेरी शूट रुक जाएगी। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो प्लीज? लेट्स गो। एक्शन।